अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में मैंने शुगर ऐड नहीं किया है। इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। आज मैं आपको गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है और सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई में आधा कप देसी घी डालकर इसे गरम करें। जब घी गरम हो जाए तब आप इसमें 100 ग्राम गोंद थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे फ्राई कर लें। गोंद को जब हम फ्राई करते हैं तो ये इस तरह से फूल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इन्हें निकाल लें। बाकी के गोंद भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे गोंद मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब आप कढ़ाई में 1/4 कप पोस्तादाना डालकर इसे ड्राई रोस्ट कर लें। जब ये अच्छे से भुना जाए तब आप इसे निकाल लें। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इन्हें निकाल लें। सेम कढ़ाई में आप पिसा हुआ गरी 1/4 कप डालकर इसे भी आप ड्राई रोस्ट कर लें। गरी अच्छे से भुना गया है, उसे भी निकाल लें। अब आप कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डालें, फिर आप इसमें आधा कप छुहारा पीस कर डालें। छुहारा को मैंने पीस लिया है, इसे आप डाल लें और इसको भी अच्छे से भून लें। जब ये अच्छे से भुना जाए तब आप इसे निकाल के साइड में रख लें। कढ़ाई में आप दोबारा 1 टेबल स्पून देसी घी डालें। अब हम इसमें आधा कप अखरोट बारीक कटा हुआ, आधा कप काजू बारीक कटा हुआ, 1/4 कप पिस्ता बारीक कटा हुआ, आधा कप बादाम बारीक कटा हुआ और आधा कप किशमिश। कढ़ाई में आप किशमिश छोड़कर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें और इसको 1 मिनट भूने। एक मिनट बाद आप इसमें किशमिश भी डाल दें और इसको भी भून लें। जब सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुना जाए तब आप इसको निकाल लें। सेम कढ़ाई में आप 1 टेबल स्पून देसी घी डालें। अब हम इसमें 50 ग्राम बिया और 150 ग्राम लावा को पीस कर डालेंगे। ये मैंने पीस कर रखा था। सारे लावा और बिया मैंने इसमें डाल दिया है। ऊपर से आप इसमें 2 टेबल स्पून घी और डालें और इसको भी अच्छे से भून लें।
ये अच्छे से भुना गया, उसे भी निकाल ले। अब आप कढ़ाई में 2 टेबल स्पून देसी घी डालें, फिर आप इसमें 1/2 कप आटा डालकर इसे अच्छे से भून लें। हम इसमें इतना ही आटा यूज़ करेंगे, सिर्फ बाइंडिंग के लिए इसमें हम आटा डाल रहे हैं थोड़ा सा। जब आटा भुना जाए तब आप इसको निकाल लें। अब गोंद हल्का सा ठंडा हो गया है, इसको आप हाथ से क्रश कर लें या फिर आप इसको ग्राइंडर में डाल के हल्का सा पीस सकते हैं। हमें इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम गोंद में भुना हुआ बिया और लावा को डाल देंगे जो हमने पीस के उसके बाद भुना था, साथ में इसमें भुना हुआ छुआरा, भुना हुआ गरी, भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स, भुना हुआ पोस्तादाना, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 to 2 टीस्पून सॉल्ट मतलब जिंजर पाउडर डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले। अब आप इसमें भुना हुआ आटा भी डाल दें, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे, 200 ग्राम गुड़ लें, इसको अच्छे से तोड़कर आप पैन में डाल दें, फिर इसमें आप 1/4 कप पानी डालें और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट होने दें। हमें गुड़ का सिरप बनाना है 1 तार का, इसे तब तक पकाएं जब तक कि ये 1 तार का सिरप बनकर तैयार ना हो जाए। ये देखिए 1 तार का सिरप बनकर तैयार है। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। लास्ट में आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डालकर मिक्स करें। आप चाहें तो और देसी घी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें और अब आप इसका लड्डू बना लें इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। हमें लड्डू तभी बनाना है जब हमारा मिक्सचर जो है वो गर्म रहे। जब ये चूने लायक हो जाए तब आप इसका लड्डू बना लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका लड्डू नहीं बनेगा। इस तरह से दबा दबा के आप इसका लड्डू बनाएं। सारे लड्डू आप इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। आप इन्हें स्टोर करके काफ़ी महीनों तक रख सकते हैं। ये देखिए गोंद के हेल्दी लड्डू तैयार हैं। इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट संडे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।